है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपका चैप्टर नंबर 2 रीडिंग करा था, वाटरफॉल लाइफ, योर क्लास 5th सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज। अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सम डैश एंड एनिमल्स लाइव ओनली इन वाटर। एनिमल्स तो रहते हैं वाटर में, साथ साथ में कौन रहते हैं? व्हीकल्स नहीं, हॉर्सेस नहीं, क्या? प्लांट्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लांट्स, राइट। क्यों हमें पता है ना तो व्हीकल्स रहती हैं और ना हॉर्सेज रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर कौन है? रेन, रिवर, पॉन्ड। वाटर का मेन सोर्सेज कौन है? तो रिवर में कहाँ से आता है? रेन के द्वारा। पॉन्ड में कहाँ से आता है? रेन के द्वारा। तो क्या है? रेन। आंसर क्या है? रेन। और रेन का जो वाटर होता है वो सबसे प्योर होता है, अंडरस्टैंड। तो व्हाट मेक्स वाटर क्लीन? वाटर को क्लीन कौन बनाता है? फिल्टरिंग, वाइलिंग या बोथ? बोथ स्टूडेंट्स। फिल्टर भी कराया जाता है और वाइलिंग भी कराया जाता है। दोनों के द्वारा क्या होता है? वाटर क्लीन होता है। दोनों के द्वारा वाटर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लीन होगा, क्योंकि आजकल आर ओ चल रहे हैं तो उससे फिल्टर करते हैं और वाटर को ऐसे ही बॉयल कर लो तो गर्म करने के बाद, बॉयलिंग करने के बाद क्या होता है? वाटर क्लीन हो जाता है। फोर फिश लाइव इन या ऑन डैश वाटर लैंड ट्रीज। फिश कहाँ पर रहती हैं? ये तो आप जानते हैं, वाटर में रहती हैं, लैंड पर रहती हैं ना ट्रीज पर रहती हैं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि फिशेज के पास क्या होती है? गिल्स होती है, जिसके द्वारा वो क्या करती है? रेस्पिरेशन करती हैं। और गिल्स माउथ से क्या लेती हैं? वो माउथ और गिल्स के द्वारा वाटर का यूज़ करती हैं, इसलिए वाटर में रहती है। वी शुड डैश वाटर सेव वेस्ट स्पॉइल। हमें वाटर क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए, नई जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें वाटर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल राइट है, सबको आवश्यकता होती है। तो इसमें राइट का हिसाब लगा देंगे स्टूडेंट, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, सबको किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, मोर वाटर है कहाँ पर? लैंड पर, ऑन द अर्थ। किस रूप में? पॉन्ड्स के रूप में, रिवर के रूप में, सी के रूप में, लेक्स के रूप में, ओशियंस के रूप में, राइट है? ठीक। अब थर्ड, प्लांट्स डू नॉट लाइव इन वाटर। प्लांट्स डू नॉट लाइव इन वाटर। अब बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? वाटर में रहते हैं, जैसे कि एल्गी है और बहुत सारे हैं। तो प्लांट्स क्या रहते हैं? वाटर में भी रहते हैं। ऐसे क्या लोटस है? लोटस क्या है? प्लांट्स है। कहाँ पर रहता है वो? लाइव इन वाटर। तो प्लांट डू नॉट लाइव इन वाटर, रॉन्ग है, रहते हैं। ये क्या जाएगा? फॉल्स। या तो आप ट्रू कर सकते हो, या आपका ट्रू हो गया, या आपका ट्रू हो गया, और ये आपका फॉल्स हो गया। तो वी शुड फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। बिल्कुल सही बात है, हमें फिल्टर करना चाहिए ड्रिंकिंग से पहले। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसा है? राइट है, ट्रू है। तो ये आपके एक्सरसाइज, तो इसे आप अपनी बुक्स में राइट कीजिए जितना हमारे द्वारा बताया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।